तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ी है वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक बजाज ने करके दिखाई है, जो कि काफ़ी प्राउड मूवमेंट रहने वाला है हम इंडियंस के तरफ से। बजाज ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जो कि वर्ल्ड में पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करके। तो आइए जानते हैं क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, किस इंजन के साथ आती है, क्या माइलेज रहने वाली है। सो वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं की से स्टार्ट करूंगा। तो आपको इसमें नॉर्मल सी की मिल जाती है, जिसमें आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाएगी दोनों साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं हेडलाइट की। हेडलाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। सो हेडलाइट की बात करूँ तो इसमें आपको फुल्ली LED मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको DRLs मिलती है, जो कि आप इग्निशन को ऑन करोगे, जब बाइक को स्टार्ट करोगे तब ऑन होगी। नीचे में आपको लो भी मिल जाती है, ऊपर में आपको हाई भी मिल जाती है। और यही मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको दो वेरियंट और मिलती है। ये टॉप वेरियंट देख रहे हैं, और इसमें आपको एक मिड वेरियंट आती है, जिसमें आपको LED हेडलाइट मिलती है बट डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। और सबसे लो मॉडल जिसमें आती है, उसमें आपको हेलोजन भी मिल जाती है। अगर आपको हेलोजन वाला ऑप्शन लेना है तो आप हेलोजन ले सकते हैं। और वही इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको इंडिकेटर्स देख सकते हैं हेलोजन में मिल जाती हैं। और एक बार मैं आपको हेडलाइट ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा लुक रहने वाला है। बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपको DRLs ऑन मिल जाएगी, और यहाँ पे लो बीम मिल जाएगी। और हाई बीम के लिए आपको ऑपरेट करना पड़ेगा बटन से, जैसे कि आप देख सकते हैं। नाइट में इसका काफ़ी अच्छा थ्रो रहने वाला है। एक बार मैं ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। और जो फ्रंट की इसमें हाउसिंग आपको मिलती है, फ्रेम जैसे कि देख सकते हैं मेटल, जो कि एक्सपोज रहने वाली है और काफ़ी अच्छी दिखती है फ्रंट से, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर प्लेट अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी आपको विंड स्क्रीन नहीं मिलती, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। और अभी बात करूँ सस्पेंशन की, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विद कवरिंग। यहाँ पे आपको फ्रीडम की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि 3D में रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी 3D में मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्राई कलर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी थिक रहने वाले हैं, 125 के हिसाब से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, टेलीस्कोपिक में आते हैं। और काफ़ी अच्छी दिखती है फ्रंट से, कोई भी एक्सपोज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा दिखने को मिल जाता है सस्पेंशन का सेटअप। और मैं अगर डिस्क की बात करूँ, डिस्क आपको 240 mm की मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि 125 के हिसाब से काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी आपको। डुअल पिस्टन के साथ आते हैं, और अगर इनकी कंपनी की बात करूँ तो आपको एंड्योरेंस की मिल जाती है, जो कि जानी मानी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और मैं अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर आपको 90, 80, 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं 10 spoke के साथ। और वहीं अगर ग्रिप की बात करूँ तो ग्रिप आपको इसमें काफ़ी अच्छा शानदार मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहीं अगर मडगार्ड की बात करूँ तो आपको फाइबर में मिलने वाली है डुअल कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्वर और ब्लैक का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है यहाँ पे। और वहीं अगर साइड लुक की बात करूँ तो साइड में आप देख सकते हो काफ़ी स्लिक्स आपको डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टैंक मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में रहने वाली। यहाँ पर आपको बजाज और फ्रीडम दोनों की लोगो मिल जाती है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये जो बिल्ड है आपको फाइबर मिलती है, अंदर में आपको टैंक मिलती है मेटल की। पेट्रोल की कैपेसिटी आपको 2 liters की मिल जाती है, और CNG की आपको 2 kgs की मिल जाती है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ फ्यूल लिड कैसे रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ओपन करना पड़ेगा, और यहीं पे आपको दोनों मिल जाती है। यहाँ से आप पेट्रोल को फिल कर सकते हैं, इसमें आपको 2 liter की कैपेसिटी मिल जाती है। और यहीं से आप CNG को भी भरवा सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नॉब आपको मिल जाती है, यहाँ से आप CNG को भरवा सकते हैं। और यहाँ पर सारी आपको डेट मैंशन मिल जाएगी, कब इसको चेक करवाना है, जो कि CNG व्हीकल में होता है उनको टेस्ट करवाना पड़ता है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैक्सिमम लोड 3 kg। और वहीं अगर इसकी रेंज की बात करें, जो कंपनी क्लेम करती है, वो आपको क्लेम करती है 2 kg CNG पे 200 km की, और पेट्रोल पे 2 liter की क्लेम करती है 130 km। तो टोटल आपको मिल जाता है 330 km का, जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आराम से आप इसको लॉन्ग राइड भी ले जा सकते हो, और अगर आपका डेली यूज़ का काम है तो आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो। सीट आपको काफ़ी लॉन्ग मिलती है, आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलने वाली। इसमें आपको टेक्सचर मिल जाती है डिज़ाइन। और कुशनिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कुशनिंग मिलता है, क्योंकि बजाज जानी जाती है अपनी सस्पेंशन और सीट की कंफर्ट के। थिकनेस भी आप देख सकते हो, और आप सोच रहे हो इतना बड़ा सीट देने का रीज़न, क्योंकि इसके नीचे ही आपको मिल जाता है CNG का टैंक। एक बार मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ, और आपको एक बार मैं टैंक दिखा देता हूँ, जो कि अंडर सीट रहने वाली। यहीं से आप ओपन करोगे तो आपको सीट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और काफ़ी इजी रहने वाला है। और यहीं पे आपको इसका काफ़ी सॉलिड सा टैंक मिल जाता है CNG का, जो कि अंडर सीट रहने वाली है। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सेफ है कि नहीं सेफ है। तो बजाज ने इसे क्लेम किया, काफ़ी टेस्ट से इन्होंने इसे पास करवाया, जैसे ट्रक से क्रैश करवाया, ट्रक इसके ऊपर चढ़ाया, तो ये काफ़ी बिल्ड अच्छी बनाई है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने R&D में खर्च किए। क्योंकि भाई अगर CNG बाइक ला रही है कंपनी, तो सोच समझ के ला रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा बिल्ड मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेम इसके ऊपर रहने वाली है, तो काफ़ी सॉलिड फील होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लीक करेगी या फिर क्रैश में आपका क्रैक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप इसमें बिल्ड देख सकते हो, काफ़ी हैवी मटेरियल का यूज़ किया गया है इसमें, जो हैवी गेज है आयरन का वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। और यहीं पे आपको बैटरी मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है, यहाँ पर आपको फ्यूज़ मिल जाती है, और काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं आपको।
यहाँ पे आपको OBD पोर्ट मिल जाती है जिससे आप स्कैन कर सकते हो इसको। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो आपको 825 mm की मिल जाती है। मेरी हाइट 511 रहने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कम्फर्ट रहने वाला है इसका। सो ऐसा कुछ आपको लुक मिलने वाला है। और मेरा जो पैर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट फुट रहने वाला है दोनों ही साइड। और ऐसा कुछ आपको पॉस्चर मिलेगा राइडिंग के टाइम। और राइडिंग के टाइम उसी से बता दूँ, काफ़ी स्पेस मिलता है आपको पीछे के लिए, तो पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। और अगर आपका एक छोटा बच्चा है, जैसे कि इंडिया में बाइक को फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है और काफ़ी काम उससे लिया जाता है, तो यहाँ पर आप एक छोटे बच्चे को बैठा सकते हो। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा, अगर आपको घूमना है तो छोटे बच्चे को यहाँ पर आप बैठा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहने वाली आपके राइड के टाइम में। और चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार इंजन। इंजन इसका काफ़ी शानदार मिलने वाला है आपको। तो एक बार मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ इंजन का। एक बार आप क्लोज लुक देख लो इंजन का, काफ़ी शानदार मिलता है। ऑल ब्लैक का थीम मिल जाता है आपको। और यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, जो कि प्रॉपर क्रैश गार्ड रहने वाला, लेग गार्ड नहीं, प्रॉपर क्रैश गार्ड रहने वाला। आप जैसे कि देख सकते हैं इंजन को भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको किक देखने को मिल जाती है। तो इन फ्यूचर अगर आपकी बैटरी ड्रेन होती है बाइक की, तो आप स्टार्ट कर सकते हो किक से। दूसरा ऑप्शन मिल गया आपको, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है। और वहीं अगर इसकी सीसी की बात करूँ तो आपको 125 cc मिल जाती है। एयर कूल 4-stroke 2-valve के साथ आने वाली। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 9.5 PS की, जो कि 8000 RPM पर रहने वाली है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो आपको 9.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि 5000 RPM पर डिलीवर करती है। तो आपको काफ़ी अच्छा पंच मिलेगा इससे इंजन से। यहाँ पे आपको इंजन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको सम गार्ड मिल जाती है, जो कि मेटल और प्लास्टिक बिल्ड में रहने वाली। साइड में आपको प्लास्टिक मिलती है, यहाँ पे आपको मेटल मिल जाती है, जो कि ज़्यादातर इम्पैक्ट वहीं पर होता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, काफ़ी वाइड मिल जाते हैं ब्रेक पैडल, जैसे कि देख सकते हैं। और काफ़ी हैवी यूज़ किया गया है गेज, जैसे कि देख सकते हो आप। और फ्रंट फुटरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। आप देख सकते हो काफ़ी वाइड है, मिल जाता है आपको देखने को। और वहीं अगर एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट आपको डुअल कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिल्वर मिल जाती है और यहाँ पे आपको मैट का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे आपको रियर फुटरेस्ट मिल जाती है, अगेन ये भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। और एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट का नोट सुना देता हूँ कैसा रहने वाला है। तो कैसा लगा एग्जॉस्ट का नोट आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये CNG का साउंड था। और मैं आपको पेट्रोल का साउंड सुना देता हूँ। सो जैसा कि आपने सुना, आप कोई भी कंपैरिजन नहीं बता सकते हो कि ये पेट्रोल पे चल रही थी या CNG पे। दोनों ही आवाज़ एकदम सिमिलर रहने वाली है और पावर का भी सिमिलर मिलने वाला है आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकती है। और वही बात करूँ साइड पैनल की, तो साइड पैनल आपको फुल्ली ब्लैक मिलती है मैट कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगी, जो कि ग्राफिक रहने वाली है। और जो पूरी चैसी है आपको एक्सपोज मिलने वाली, सिल्वर कलर की फिनिश में रहने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सॉलिड बिल्ड रहने वाली। यहाँ पे आपको प्लास्टिक हेलमेट मिल जाती है, NG04 मिल जाती है यहाँ पे बैजिंग आपको। और ऐसा कुछ पूरा लुक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बंजी कॉर्ड अटैच करने के लिए यहाँ पे अटैचमेंट मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक और मेटल बिल्ड में रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर रेयर सेक्शन की बात करूँ तो रेयर में आपको टायर मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं आपको मिल जाती है 120, 70, 16 इंच के। इसमें आपको अलॉय व्हील मिलने वाले, जो कि 10 spoke के साथ रहने वाले। आपको रेयर में 16 मिल जाती है और फ्रंट में आपको 17 मिलते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है आपको देखने को। और यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करूँ, जो कि मोस्टली 125 cc में आपको देखने को नहीं मिलता, बट इसमें आपको देखने को मिल रहा है, जो कि रेयर मोनो सस्पेंशन रहने वाली, जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। और ऐसा कुछ आपको मडगार्ड मिलने वाला है, टायर हगर भी बोल सकते हैं आप इसे, काफ़ी लॉन्ग मिलता है, तो आपको कीचड़ वगैरह वैसा कुछ आने वाला नहीं है गाड़ी पे आपके। और वहीं अगर बात करूँ रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल आप एक बार चेक कर सकते हो। आपको LED में टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन में मिलते हैं इंडिकेटर्स आपको, और यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है आपको। एक और मैं लुक दिखा देता हूँ इनका। तो जब बाइक को स्टार्ट करोगे तभी आपको ये पार्किंग लाइट ऑन मिलेगी, और जब ब्रेक को अप्लाई करोगे तो आप ऐसा कुछ डार्क हो जाएगी। और इंडिकेटर की बात करूँ तो आपको हेलोजन में मिलती है, तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलने वाला है इंडिकेटर्स का, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। और नंबर प्लेट लाइट आपको हेलोजन में मिलती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, 3 reflectors मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ पे आप नंबर प्लेट को अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाती है, जो कि काफ़ी सॉलिड बिल्ड रहने वाली है। और चलिए बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल जाती है और लेडी फुटरेस्ट अटैच मिल जाती है, तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर अटैच करवा सकते हो। और एक चीज़ अच्छी ध्यान रखिए बजाज ने, यहाँ आपको लॉन्ग एक्सटेंडेड मिल जाती है साड़ी गार्ड, देख सकते हो, जो कि बजाज ने काफ़ी अच्छा किया, उसके लिए लाइक कर सकते हो आप वीडियो को। और यहाँ पर आपको चेन फुल्ली ओपन मिल जाती है, तो आपको एवरी 500-600 किलोमीटर पर इसको क्लीन और ल्यूब करवाना पड़ेगा, तो आप काफ़ी अच्छी लाइफ ले सकते हो इस चेन सेट से। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
और वहीं बात करो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको की होल मिल जाती है जिससे आप सीट को ओपन कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, और यहाँ पे आपको रेयर फुटर्स मिल जाती है। सेंटर स्टैंड का भी ऑप्शन मिलता है आपको देखने को, जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप जब भी अगर चेन मेंटेनेंस या आपका पंचर वगैरह होता है तो आप इसे यूज़ में ले सकते हो। और वहीं अगर गियर्स की बात करें तो इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आपको दोनों साइड ग्रिप मिल जाती है रबर की, और यहाँ पे फ्रंट फुटरेस्ट मिल जाती है, और साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ फीचर मिलने वाला है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी हो जाती है सेफ्टी के हिसाब से। और वहीं अगर बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की तो आपको 170 mm की मिल जाती है, तो आप आराम से इसे ऑफ रोड कर सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं होने वाली। इस साइड से कुछ ऐसा लुक मिल जाता है आपको देखने को, जैसे कि आप देख सकते हैं प्री टैंक पे आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, अगेन यहाँ पे आपको बजाज फ्रीडम की ब्रांडिंग मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसकी मेन अगर प्राइसिंग की बात करो टॉप मॉडल की तो एक्सट्रीम दिल्ली आपको 110,000 से शुरू हो जाती है, और इसकी अगर मिड वेरियंट की बात करो तो आपको 105,000 से शुरू हो जाती है, और सबसे लो वेरियंट की बात करो तो आपको 95,000 से शुरू हो जाती है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बाइक को ले सकते हो। और आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना, और अगर आप धनबाद से हैं तो आप मेट्रो बजाज आ सकते हो, मैं इनका नंबर और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अपना कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। और चलिए अब मेन बात कर लेते हैं इसकी मीटर की। तो मीटर आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है कनेक्टेड फीचर के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेंटर में मिल जाती है स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाती है, साइड में यहाँ पर आपको फ्यूल गॉज मिल जाती है, CNG की गॉज दोनों यहीं पर मिलती है आपको। यहाँ पर आपको वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो साइड स्टैंड, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाती है, ऊपर में आपको ओडो देखने को मिल जाती है, और ऊपर छोटी सी जो स्क्रीन है उसमें आपको सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है CNG के लिए लो फ्यूल, यहाँ पे इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल लाइट, न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम सारी आपको मिल जाती है, और काफ़ी सॉलिड बिल्ड फील होता है। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर मिल जाता है, तो आप अपना कॉल SMS ऑन द गो देख सकते हो। और अगर आप लो मॉडल लेते हो तो उसमें आपको सेमी डिजिटल मिलता है मीटर, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तभी आपको कनेक्टेड मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाती है सेट और मोड, जैसे कि देख सकते हो एवरेज फ्यूल इंडिकेटर रियल टाइम आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको फ्यूल ट्रिप ए देख सकते हैं, ट्रिप टू देख सकते हो, वार्निंग लाइट्स देख सकते हो, क्लॉक सेट कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो। और पूरी डैशबोर्ड की बात करो तो काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, और यहाँ पे साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, तो आप ऑन द गो चार्ज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे मिल जाती है आपको USB चार्जिंग पोर्ट। और वहीं बात करूँ हैंडल बार की तो आपको सिंगल पाइप में मिलने वाली है, और यहाँ पे वाइब्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पे एक रॉड आपको अटैच मिल जाती है। और वहीं बात करो स्विच गियर्स की तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, एक बटन से आप CNG और पेट्रोल पे कर सकते हो, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी जब आप इसे पेट्रोल पे स्विच करोगे, तो यहाँ पे आपको पेट्रोल की वार्निंग लाइट आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोल मोड और यहाँ पे CNG मोड, और यहाँ पे मिल जाती है ब्लूटूथ को नेविगेट करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाती है जो कि सिंगल टोन में रहने वाली है, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मिल जाती है हाई बीम लो बीम पास स्विच, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे पास स्विच भी मिल जाती है और इंटीग्रेटेड मिल जाती है हाई बीम लो बीम। और वहीं दूसरी साइड की बात करो तो आपको सिंगल सेल्फ मिलती है, और सेल्फ में भी आपको साइलेंट स्टार्ट मिलने वाली है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बस वन क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हो साइलेंट प्लस वन क्लिक स्टार्ट मिलने वाली जो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ग्रिप भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले, ऐसा कुछ आपको ब्रेक मिलने वाला CVS के साथ आने वाली है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, तो आप ब्रेकिंग में भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और ऐसे कुछ आपको साइड मिरर मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस बाइक के एक और स्मार्ट फीचर मैं बता दूं, अगर आप इसे CNG पे यूज़ करोगे ज़्यादा देर तक तो ये ऑटोमेटिक पेट्रोल पे स्विच कर देगी ताकि इंजेक्टर सारे क्लीन रहें, तो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा ये। और आप कमेंट में जरूर बताना कि ये बाइक कैसी लगी आपको CNG वाली। सो इसी टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।